प्रेरणा कथा, प्यारी बातें। नीरज ने जल्दी से मीरा के हाथ में उसका ट्रेन का टिकट देते हुए कहा, जल्दी करो मीरा, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। नीरज जानता था कि वो बहुत ही उत्तेजित थी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के घर जा रही थी। वो जानता था कि वो कितनी खुश थी। बहुत दिनों से वो मायके जाने की बात कर रही थी, पर नीरज हर बार उसको टाल देता था। उस दिन जब वो अपने मायके जाने की बात कर रही थी, तो उसने नीरज से कहा था, इस बार 2 महीने तक नहीं आऊँगी, मुझे अपने कॉलेज की पुरानी मित्रों के साथ भी घूमना फिरना है, हमारा कार्यक्रम है, अब मेरे बिना भी कुछ दिन घर चलाकर देखिएगा। नीरज ने उसको कुछ भी नहीं कहा था और सिर्फ मुस्कुरा दिया था। नीरज ने कार स्टेशन के बाहर रुकी और मीरा का बैग लेकर उसके साथ प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया। दोनों एक बेंच पर बैठकर कुछ देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद ट्रेन आ गई और मीरा ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी और नीरज ने हाथ हिलाकर मीरा को विदा किया। मीरा को छोड़ने के बाद वो घर वापस आ गया और अपने दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। एक घंटे बाद मीरा का फोन आया कि वो ठीक ठाक पहुंच गई थी। नीरज ने एक कप चाय बनाया और एक रेस्टोरेंट में फोन करके नाश्ता मंगवा लिया। नीरज अपनी दैनिक क्रियाओं में मग्न हो गया। वो सुबह शाम होटल से ही खाना मंगवा लेता था। उसने 2 हफ्ते तक मीरा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मीरा उसका फोन करती थी, पर वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता था। मीरा ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी फोटो भी भेजी थी। नीरज ने उसको पूरी छूट दे रखी थी कि, और उसने एक बार भी उसको आने के लिए नहीं कहा। उधर एक शाम मीरा अपनी माँ के साथ बैठी थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं जब बाहर गई थी तो नीरज का फोन तो नहीं आया था। उसकी माँ ने कहा, आया था, बहुत देर तक मुझसे बातें की उसने। उसने तुम्हारे पापा से भी बातें की थी, दोनों व्यापार और क्रिकेट पर बहुत देर तक बातें करते रहे। मीरा ने कहा, मेरा मोबाइल तो चालू था, उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? शायद मेरा फोन बिजी होगा, मैं अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। माँ ने कहा, बेटी अब यहाँ तो शांति से रह, बंबई में तुम लोग इतनी भीड़ भाड़ में रहते हो, यहाँ तो थोड़ी शांति रखो, क्या तुमको घर की याद आ रही है? मीरा ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ ही देर में मीरा ने नीरज को फोन लगाया। नीरज ने काफ़ी देर के बाद फोन उठाया। फोन इतनी देर से क्यों उठाया आपने? मैं बहुत ही बिजी था, हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन एक बाहर की कंपनी से हो रहा है और बॉस ने पूरी जिम्मेदारी मुझे ही दी है, समय नहीं मिलता। कुछ देर बाद मीरा से बातें करने के बाद उसने कहा, मीरा मुझे ज़रा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। अगले 1 हफ्ते तक नीरज ने उसको एक भी फ़ोन नहीं किया। मीरा दिन में कई बार अपने फ़ोन पर देखती थी कि कोई मिस कॉल तो नहीं आया था। अंत में मीरा ने अपने भाई से आने वाले रविवार की ट्रेन का टिकट बुक करने को कह दिया। घर में सब लोग हैरान हुए कि वो इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही थी। सब ने मीरा को कुछ दिन और रहने के लिए आग्रह किया, परंतु मीरा ने किसी की भी नहीं सुनी। वो अपना सामान पैक करने में लग गई। मीरा सोच रही थी कि वो अचानक बम्बई पहुँचकर नीरज को चकित कर देगी। वो देखना चाहती थी कि नीरज की क्या प्रतिक्रिया होगी। वो स्टेशन से टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ चल गई। उसने घंटी बजाई तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला और कहा, आइए आइए मेम साहब। उस लड़के ने मीरा का सामान उठा लिया और घर के अंदर ले गया। मीरा जब बड़े कमरे में आई तो उसने देखा कि नीरज आराम से कमरे में सोफे पर टांगे फैलाए टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देख रहे थे। उनके सामने नाश्ता और बियर का एक ग्लास पड़ा था। वो बियर पीते पीते क्रिकेट का आनंद ले रहे थे। नीरज ने हैरानी से कहा, अरे तुम तो 2 महीने बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मीरा का दिल टूट गया, क्योंकि उसको लगा कि उसकी अनुपस्थिति से नीरज को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। नीरज ने कहा, ये काम करने वाला लड़का मिल गया है, बहुत अच्छा काम करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है और सब काम ठीक से करता है।
कुछ ही देर में वो लड़का मीरा के लिए एक गिलास में शरबत बनाकर ले आया। वो लड़का बोला, साहब शाम को आपके दोस्तों की पार्टी के लिए क्या बनाना है? आपके कपड़े इस्त्री होकर आ गए हैं, मैं अलमारी में रख देता हूँ। नीरज ने कहा, छोटू तुमको जो अच्छा लगे वही बना लेना पार्टी के लिए, सब सामान किचन के फ्रिज में है ही। उसने मीरा से कहा, तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर दो। मीरा गुस्से से आग बबूला हो रही थी, वो बड़बड़ाती हुई रसोई में दाखिल हो गई। वो बोली, ना जाने इनके इस छोटू ने मेरी रसोई का क्या हाल किया होगा। वो जब किचन में दाखिल हुई तो हैरान हो गई। किचन पूरी तरह चमक रही थी, हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। कोने में एक कांच के कटोरे में कुछ फूल रखे थे और रसोई सुंदर स्प्रे से महक रही थी। वो गुस्से से बोली, चल छोटू तू बाहर जा, अब यहाँ तेरा काम नहीं है। कुछ काम तो आता नहीं है, देख सब सामान कैसे रखा है। नीरज ने कुछ नहीं कहा, पर उसने छोटू को धीरे से कहा, कल सुबह आकर अपने पैसे ले जाना, मैं तेरा हिसाब कर दूंगा। नीरज रसोई में गया और बोला, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो तुम? उसने मीरा को पीछे से बाहों में भर लिया। मीरा की आंखों में आंसू थे, वो भी जोर से नीरज से लिपट गई। अब ये छोटू ने मेरी जगह ले ली है क्या? मैं क्या मर गई हूँ? हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। नीरज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी ने मुझको बता दिया था कि तुम आ रही हो, इसीलिए मैंने भी थोड़ा नाटक कर लिया। बेचारा छोटू तो हमारे दफ्तर के पास एक चाय की दुकान पर काम करता है, आज सुबह ही मैंने उसको बुलाया था, आज ही उसने किचन की सफाई की है। अगर तुम कल आकर घर का हाल देखती तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाता, बेचारे ने सुबह सुबह आकर सब साफ कर दिया। ये था मेरा सरप्राइज तुम्हारे सरप्राइज के बदले में, क्यों कैसा रहा? मीरा सर झुकाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद दोनों ही किचन में मिलकर खाना बनाने में व्यस्त हो गए। मित्रों, पति पत्नी में ऐसे ही छोटी छोटी प्यारी बातें होती रहनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों से जीवन में रंग भरा जाता है। पति पत्नी को दोस्तों की तरह हर मौके को खुशी खुशी जीना सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।